दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां स्थापित मूर्ति पूरी की पूरी शराब पी जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। कई वैज्ञानिक आए और कई शोध हुए कि इस मूर्ति के द्वारा पी गई शराब आखिर जाती कहां है, पर आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझ पाया और परेशान होकर वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि सच में यहाँ जो होता है वो विज्ञान जगत से भी पड़े है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे अत्यंत रहस्यमय काल भैरव मंदिर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भगवान शिव के सभी रूपों की कोई न कोई कहानी या कोई न कोई महत्व जरूर है, परंतु सब रूपों में भगवान शिव का भैरव अवतार सबसे विचित्र और खतरनाक है और यही कारण है कि कई लोग भैरव भगवान से डरते भी है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि भैरव बाबा की पूजा करके लोग काला जादू करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीबन 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर स्थित है। भगवान काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। ये एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा और बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही जाने की अनुमति थी, क्योंकि वे यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे। बाद में जाकर ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कुछ साल पहले तक यहाँ पर जानवरों की बलि भी दी जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र और तेजस्वी रूप है। सभी प्रकार के पूजन हवन प्रयोग में इनका पूजन होता है। ब्रह्मा का 5वां शीश भी भैरव ने ही खंडन किया था। चलिए अब बात करते हैं उस रहस्य के बारे में जिस वजह से ये मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों जब आप इस काल भैरव मंदिर के बाहर दुकानों पर प्रसाद लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर फूल, प्रसाद, त्रिफल के साथ साथ मदिरा की छोटी छोटी बोतल भी नजर आएगी। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य से भरा पाएंगे। लंबी कतार में भक्तजन मंदिर के अंदर जाते हैं। उसके बाद जब कोई भक्त भैरव बाबा को प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाता है तो प्रतिमा के पास बैठे पंडित जी मदिरा को एक छोटी सी प्लेट में निकालते हैं और बाबा की मूर्ति के मुंह से लगा देते हैं और देखते ही देखते भूख लगाने के बाद प्लेट से सारा मदिरा बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो जाता है। ये दृश्य देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। उस प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बचती है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक के बाद एक भक्त आते रहते हैं और बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती ही रहती है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हर किसी के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर ये मदिरा जाती कहाँ है, पर काल भैरव बाबा में अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तजनों का यह पक्का विश्वास होता है कि मदिरा का पान भगवान काल भैरव ही करते हैं। मंदिर के पुजारी ये बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत ही खुशी खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की मुरादें पूरी भी करते हैं। काल भैरव बाबा को मदिरा पिलाने का ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। ये कब और कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से बाबा भैरव को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। उनके पूर्वज भी यही बताते हैं कि ये एक तांत्रिक का मंदिर था जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ बाबा भैरव को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब तो बलि प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर के महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों काल भैरव के मदिरापान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस भी हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जाँच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन ये राज उस वक्त भी अनसुलझे रहे और आज भी अनसुलझे ही है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मंदिर की जांच करने वाले भी
काल भैरव के भक्त बन गए। उसके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो कि आज तक जारी है। दोस्तों, वीडियो तो आपने पूरी देख ली, पर मदिरापान करने वाले काल भैरव जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर ये शराब जाती कहाँ है? अगर ये कोई अंधविश्वास है तो मंदिर के नीचे से खुदाई करने के बाद मदिरा की एक बूंद भी क्यों नहीं मिली? इसके बारे में अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। अगर आप तिरुपति बालाजी के 10 रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिसे नासा के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।